दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जा दोस्तों, रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉलीवुड तो क्या साउथ तो क्या हॉलीवुड को भी मात दे दी है। जा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे अभी बीते शुक्रवार को बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, अजय देवगन की रनवे 34 और टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2। लेकिन इन दोनों फिल्मों के सामने अपने 18वें दिन यानी कि तीसरे संडे को केजीएफ चैप्टर 2 ने 10 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है और फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 18 दिनों का सिर्फ हिंदी में 370 करोड़ रुपए हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 के पूरे 19 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सभी भाषाओं में इंडिया में फिल्म कितना कितना कलेक्शन कर चुकी है और वहीं कुल मिलाकर फिल्म का ओवरसीज से कितना कलेक्शन हुआ है और फिल्म ने टोटल वर्ल्ड वाइड अभी तक टोटल कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, तो बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप रॉकिंग स्टार यश को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें केजीएफ चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्म ने 17 दिनों में जो इंडिया में नेट कलेक्शन किया था वो 710 करोड़ रुपए का किया था। कन्नड़ा में फिल्म ने 121 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, हिंदी में फिल्म ने 360 करोड़ रुपए कमा लिए थे, मलयालम में फिल्म ने 42 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, तमिल में फिल्म ने 81 करोड़ रुपए कमा लिए थे और वहीं तेलुगु में फिल्म ने 106 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। तो फिल्म का जो इंडिया में नेट कलेक्शन था 17 दिनों का वो था 710 करोड़ रुपए और वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन था 840 करोड़ रुपए। फिल्म ने ओवरसीज से भी लगभग 175 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी। तो फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है 17 दिनों का वो 1010 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका था। अब दोस्तों अगर वही मैं बात करूं 18वें दिन की, तो फिल्म ने तूफान मचा दिया है। जा दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे बॉलीवुड की और साउथ की फिल्म में सिनेमाघरों में कई सारी फिल्में एक साथ चल रही हैं, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 पर इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कल सिर्फ हिंदी वर्जन में फिल्म ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है, तो हिंदी में फिल्म ने सिर्फ 18 दिनों में 370 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं अगर मैं इंडिया के नेट कलेक्शन की बात करूं 18वें दिन की, तो 26 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन हुआ है इंडिया से अपने 18वें दिन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का अपने तीसरे संडे को, और वही ओवरसीज से भी फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन हुआ है वो 35 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है। अब दोस्तों वही मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि फिल्म ने 18 दिनों में 1050 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है केजीएफ चैप्टर 2 का ईद की छुट्टियों का टाइम है, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि आरआर तो बस एक दो दिन में पीछे छूट जाएगी, लेकिन अब नंबर लगने वाला है बाहुबली 2 और दंगल का, क्योंकि अभी केजीएफ चैप्टर 2 रुकने वाली नहीं है। फिल्म का बजट सिर्फ 120 करोड़ रुपए था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। आपको क्या है कहना, आपकी क्या है राय, कमेंट में जरूर बताइएगा।